Lilitam yena tasmai shri gurve nama vancha kalpatru bhyascha kripa sindhu bhayucha patitanam pavne bhayo vaishnave bhayo namo nama namo mahavadanaya krishna prem pradayate krishnaya krishna chaitanamni gaurata vishe nama tapta kanchan gaurangi radhe vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radhakant Namosute Vrindaya Tulsi Deviyaya Priyaya Keshvasacha Vishnu Bhakti Parde Devi Satyavate Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Aaj hum ek naya granth hai Damodar Ashtak praram karne cha rahe hain ye Damodar Ashtak Kartik ke mahine mein sabhi log karte hain और दो बार दीपदान होता है भिन्न भिन्न मंदिरों में सभी गौड़िया मंदिरों में इस्कॉन वगैरह में दो बार दीपदान होता है और दो बार दामोदर अष्टक का पाठ होता है इस दामोदर अष्टक की क्या विशेषता है इसके क्या अर्थ है सनातन गोस्वामी के द्वारा इसकी टिप्पणी की गई है और नारायण महाराज भक्ति वेदा नारायण महाराज जी के द्वारा उन्होंने इस टिप्पणी का विस्तार किया है तो आई हम शुरू करते हैं दामोदर अष्टक नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोधा भियो लोकलाधमानम परामृष्टम अत्यंतो द्रोते गोपया उसका अर्थ है आई ऑफर obeisances unto Shri Krishna, the possessor of all potencies, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जिसके अंदर सारी शक्तियाँ विराजमान हैं, whose beautiful form is the entirety of concentrated existence, उसका जो सुंदर स्वरूप है, यानी वो पूर्ण उसके केंद्रित है, concentrated एकदम गाढ़ा है, knowledge and bliss, यानी प्रभु के अंदर ज्ञान भी है, आनंद भी है, और रस सब कुछ आपको अंदर मिलेगा इसको सच्चिदानंद कहते हैं और इस चीक्स मकर शेप इयररिंग्स आर स्विंगिंग प्लेफुली यानी उनके कानों में जो कुंडल है वो हिल रहे हैं हिज इनफाइनाइट ब्रिलियंस शाइन्स फोर्थ फ्रॉम हिज मोस्ट स्प्लेंडेड रेजिडेंस उसकी जो उसका जो तेज है वो शाइन्स फॉर फाइव मोस्ट ब्रिलियंट दैट उनके शरीर से जो तेज निकल रहा है वो सबको वो यानी प्रकाशित कर रहा है द ट्रांसेंडेंटल अबोड यानी भगवान जो है धाम है स्वयं श्री गोकुल ही वॉज अफ्रेड ऑफ मदर यशोदा बिकॉज ही स्मैश द अर्दन पॉट ऑफ योगर्ट वो अपने माता से भयभीत हो गए क्योंकि उनके द्वारा जो है मटकी तोड़ी गई है व्हेन ही सॉ हर कमिंग He left from his grinding motor. जब उन देखा कि माँ उनके पास आ रही है, तो उन्होंने छलांग लगाई है और उखल से क्योंकि उखल का प्रयोग किया था दही यानी मक्खन खाने के लिए और उसको तोड़ा था and ran away और दौड़ना शुरू किया. Nevertheless, mother Yashoda ultimately caught hold of him. माँ Yashoda ने उसे कैसे भी पकड़ लिया from behind पीछे से for she ran most swiftly than he did. तो यानी वो उनसे ज्यादा तेजी से दौड़ी है अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या दिग्दर्शनी टीका भाव अनुवाद ये सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है आफ्टर ऑफरिंग ऑबिसेंसेस टू द सुप्रीम कंट्रोलर यानी भगवान को प्रणाम करने के बाद श्री दामोदर अकम्पनीड बाय श्री राधा This explanation of Sri Damodara Ashtaka known as Dik Darshini, the insight that guides us towards the inner meaning is presented herewith.
तो कहते हैं इसमें जो व्याख्या की गई है वो हमको अंदर से प्रेरणा देगी और हमें और गहराई अंदर तक अपने अंदर लेके जाएगी। विद इंटेंशन ऑफ मेकिंग हिज प्रेयर, यानी इस नियत से प्रार्थना करते सत्यव्रत मुनि को, कि सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया दामोदरष्टा फर्स्ट ऑफर्स इज डिवोटेड ऑबिसेंसेस टू भगवान। तो पहले वो भगवान को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णा विद द वर्ड नमामि, नमामि यानी उनको शब्द के उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे इन्वोक्स ऑस्पिशियसनेस, इससे क्या होता है, मंगला मंगल होता है जब भगवान को प्रणाम करने से, उनका आशीर्वाद लेने से। ही ऑफर्स इज ऑबिसेंसेस बाई एक्सटोलिंग श्री कृष्ण सुपरमेसी, यानी वो प्रणाम करते हैं कृष्ण की महिमा स्थापित करने के, कृष्ण कितने महान है। थ्रू डिस्क्रिप्शन परस्टेनिंग टू द स्पेशलिटी ऑफ इस तत्व प्रोफाउंड फंडामेंटल्स रिलेटेड टू हिम, यानी उनके तत्व को प्रकाशित करते, उनको समझा के और बताते कि वो कितने महान है। हिज फॉर्म हिज पास्टम एंड हिज क्वालिटीज, उनका रूप उनका नाम उनके गुण। दस श्री सत्यव्रत मुनि डिक्लेयर द यूनिक सुप्रमेसी, इसी प्रकार सत्यव्रत मुनि जो है भगवान की महिमा बता रहे हैं। बाय श्री कृष्ण इन गोकुल तो बी द वेरी एसेंस इज एंटायरिटी ऑफ गॉड, है कि जो कृष्ण है वही साक्षात ईश्वर है और ब्रज के सार वही है। इट इज वाइटल टू ऑफर रिस्पेक्ट टू वन वर्शिपफुल डेटी बिफोर बिगिनिंग एनी टास्क, कहते भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले। ऑल्सो बाय दिस चैप्टर श्री सत्य ब्रह्मणि एग्जिबिट्स हिज स्पेशल फीलिंग ऑफ दास्य भक्ति, यानी इसके द्वारा भगवान ये सत्य ब्रह्मणि बताना चाहते हैं कि उनका जो भाव जो अभी प्रारंभ में है वो दास्य भक्ति है। किस प्रकार दास्य से ये माधुर्य तक उठते हैं हम आगे पढ़ेंगे। डिवोशन टू शिव भगवान इन दी मूड ऑफ अ सर्वेंट, भगवान के प्रति जो इनके भाव है वो सेवक के भाव है। फॉर दिस रीजन ही बिगिन दिस प्रेयर बाई ऑफरिंग इज ऑबिसेंस टू द सुप्रीम लॉर्ड, वो अपनी प्रार्थना शुरू करती है भगवान को प्रणाम करके। द कमेंटेटर शिला सनातन गोस्वामी फर्स्ट डिस्कसेस द प्रोफाउंड फंडामेंटल ट्रूथ अंडरलाइंग द आइडेंटिटी ऑफ श्री भगवान, यानी सनातन गोस्वामी अपनी टीका शुरू करते कृष्ण के तत्व को समझा के। यद ही लिस्ट सत्यवर मुनि थॉट्स, और यह बता रहे हैं सत्य मुनि के भाव को प्रकाशित करे हैं। तो होम एम आई ऑफरिंग ऑबिसेंसेस, मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं। तो ईश्वर द सुप्रीम कंट्रोल, भगवान को जो सबके नियंत्रित करने वाले हैं। ये सर्वशक्तिमान द पोजेसर ऑफ ऑल पोटेंसी, यानी वह सर्वशक्तिमान, उनके अंदर सारी शक्ति विराजमान है। जगत एकनाथ द सोल लॉर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे जगत के वो नाथ हैं। निज प्रभु माय ओन डियर मास्टर, मेरे स्वामी हैं। आई एम ऑफरिंग माई ऑबिसेंसेस टू दैट ईश्वर, मैं प्रणाम करता हूँ उस ईश्वर को। इन द फर्स्ट फेसेट ऑफ ईश्वर द पोजेसर ऑफ ऑल पोटेंसी, यानी ईश्वर जो जिनके अंदर सारी शक्तियां विराजमान है। श्री सत्यवर मुनि सीक द पोटेंसी टू ऑफर प्रेयर्स इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्री भगवान, सत्यवर मुनि प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति प्रदान करिए ताकि मैं भगवान के गुणों का गान कर सकूं। द सुप्रीम तो जो जो परम सत्य है। द सेकंड फेस इज द सोल लॉर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, दूसरा चीज क्या है कि भगवान जो है जगत के ईश्वर है। कन्वेज दैट ईश्वर इज अलोन हिज टॉपर वर्शिपल एंड प्रेज वर्दी लॉर्ड, और ये बताना चाहते हैं कि भगवान ही एकमात्र पूजनीय और वर्णन करने योग्य हैं और उनके आराध्य हैं। फाइनली इन रिलेशन टू द लास्ट फैसेट ऑफ ईश्वर दैट ही इज माई ओन डियर मास्टर, और तीसरी चीज जो है वो कहते हैं कि वो मेरे स्वामी है। श्री सत्य मुनि एक्सप्रेस हिज ओन स्पेशल भक्ति फॉर ही लॉर्ड, वो अपनी भक्ति को प्रकाशित करते हैं कि वो मेरे स्वामी हैं। ठीक है, वो जगत के ईश्वर है, वो भगवान है, सब है, लेकिन वो मेरे स्वामी है। ये अपनापन है, ये ममता ममता का प्रतीक है, और यही भगवान की कृपा प्राप्त करने का विशेष कारण होता है, भगवान में ममता होना, अपनापन बहुत ज्यादा होना। हाउ इज ईश्वर मैनिफेस्ट, ईश्वर कैसे प्रकाशित होते हैं। एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन सत्य मुनि से, ये कहते हुए सत्य मुनि कहते हैं,
ईश्वर इज मैनिफेस्ट एज द ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट प्योर एटर्नल एग्जिस्टेंस फुल नॉलेज एंड अनलिमिटेड ब्लिस। यानी भगवान जो है सच्चिदानंद रूपम है, यानी वह सत्य है, चैतन्य और आनंद स्वरूप है। Thus the sages explained the unrivaled supremacy of Sri Krishna. तो भगवान ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है यहाँ पे। The object of his prayer, उनका जो उद्देश्य जो है, जो इनका जो विषय है प्रार्थना का, वो कृष्ण है। By narrating the special profound fundamental truth underlying his identity, यानी उन तत्वों की व्याख्या करके उन्होंने भगवान की श्रेष्ठता साबित की है। Now the commentator discusses Bhagavan beautiful. अब जो है सनातन गोस्वामी उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्री सत्यवर मुनि shows the exceptional supremacy of श्री कृष्णा। सत्यवर मुनि जो है भगवान की विशेष श्रेष्ठता साबित करे हैं। By describing the unique form, beauty of his form, उनकी सुंदरता का वर्णन करके। He describe how his earrings are swinging. वो बताना चाहते हैं कि उनके जो कुंडल है किस प्रकार झूम रहे हैं। लसट कुंडलम, यानी किस प्रकार उनके कुंडल जो हैं घूम रहे हैं। बिकॉज ही इज रनिंग अवे फ्रॉम हिज मदर, क्योंकि वह अपनी मैया से दूर भाग रहे हैं, से यशोदा, आउट ऑफ यशोदा से भय के कारण। और एस बिकॉज इट इज नेचर टू ऑलवेज मेक ट्रांसेंडेंटल चाइल्डिश मिस्चिफ, और ये बच्चों का स्वभाव ही होता है शैतानी करना। Due to unceasing restlessness, यार क्योंकि वो बच्चे जो होते बेचैन होते हैं, तो शराती करना उनका स्वभाव होता है। मकर शेप इयररिंग्स कॉन्स्टेंटली स्विंग नियर हिज चेन, जो कुंडल है वो किस आकार के, मकर के आकार के हैं। और कहते हैं वो उनके जो गालों को स्पर्श करते हैं, यानी मतलब क्या है, एंड सीम्स टू बी प्लेइंग, लगता है कि वो भगवान के साथ वो कुंडल खेल कर है। इन दिस वे The sage describe the specialty of the extraordinary splendor of Sri Krishna's worshipful face. इस प्रकार जो है ऋषियों ने, सत्यवर मुनि ने वर्णन किया है भगवान की विशेषता का, उनकी सुंदरता का, जो उनका मुख कितना सुंदर है। Yet another meaning of lesser kundal, एक अर्थ है lesser kundalam का। These two makar shaped earrings, ये जो मकर स्वरूप के जो कुंडल है, have achieved a celebrated fortune, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है of kissing Sri Krishna's cheeks, and are therefore the most exalted of his ornaments. ये उनके ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, जो कि उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान की गाल को चूमने का, क्योंकि जो चीज भगवान से। तो ही सेज गोकुले ब्रजमानम हाउ स्प्लेंडिड इट इज व्हेन श्री कृष्णा इज इन गोकुल। तो कहते हैं कि कितने बढ़िया बात है जब कृष्ण गोकुल में होते हैं। द होम ऑफ द गो गोपीज कौ काव्स एंड अदर्स, जो घर है ग्वालों के, गोपियों के, बछड़ों के। इन दिस प्लेस विच इज पर्टिकुलर बीफिटिंग, ये स्थान जो लायक है, ही मैनिफेस्ट दिस एक्सेप्टेड सुप्रीमेसी, भगवान ने अपने यहाँ पे विशेषता स्थापित की है। ब्रजमानम ऑफ ए पास्टम विच ही है नेवर मैनिफेस्टेड एनीवेयर, उन उस लीला का भगवान ने यहाँ पे दिखाया है जो उन्होंने वो लीला कभी पहले की नहीं थी। इन विच ही नेवर मैनिफेस्टेड एल्स इन एनी ऑफ द पास्टम बिफोर, यानी कई लीला भगवान की है, इस प्रकार की लीला भगवान ने कभी की ही नहीं। दोबारा करना है। Another meaning is that the outstanding environment of Gokul is effulgent. दूसरी चीज क्या है कि जो गोकुल का जो वातावरण है बहुत तेजस्वी है, with the mood of nature love, वहाँ पे प्रेम ही प्रेम है। So when Sri Krishna is situated there, he certainly most splendid, जब कृष्ण उधर होते हैं तो बड़े तेजस्वी दिखते हैं। This is also described in various places in Shastra, और शास्त्रों में कई जगह पे इसका वर्णन होता है। In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is described as follows, दशम स्कंद के अंदर इसका वर्णन होता है। श्री कृष्णा फॉर होम परफेक्टेड मिस्टिक गोपीज प्रिपेयर अ सीट इन द प्योरिफाइड लोटस,
यानी उस कृष्णा जिसके लिए योगी लोग अपने हृदय में आसन बनाते हैं, इंडिया हार्ट लोटस लाइक हार्ट अपियर एज द रिजर्व ऑफ ऑल ब्यूटी अन इक्वल बिटवीन द थ्री वर्ल्ड। वही कृष्ण जो है जिनकी सुंदरता किसी से तुलना नहीं की जा सकती, वो यहाँ पे प्रकट हुए हैं। ही एक्सेप्टेड द सीट ऑफर्ड बाय द गोपीज एंड वर वर्शिप बाय देम, और गोपियों ने जो स्थान दिया उस पर भगवान विराजमान हो गए। तो कहते हैं कि जिनको बड़े बड़े तपस्वी पकड़ नहीं पाते हैं अपने तप के द्वारा, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वही जो कृष्ण है, कंसिडर हिम टू बी अ लिटिल चाइल्ड, अपना छोटा बच्चा मान के यशोदा उनके पीछे दौड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए। सींग हर सन फ्लिंग आफ्टर बींग कॉट मेकिंग मिस्चिफ, फिर जब देखती है कि मेरा बच्चा पकड़ा गया है मस्ती करते हुए, मदर यशोदा रैन आफ्टर हिम, माँ यशोदा उनके पीछे दौड़ी। शी रैन मच फास्टर देन ही डिड, यानी वो ज्यादा तेजी से दौड़ी, जो कृष्ण से भी ज्यादा तेजी से, एंड सीज्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड, और उसे पीछे से पकड़ लिया। बाय डिस्क्राइबिंग दैट शी रैन मच फास्टर देन श्री कृष्णा विदिवस अत्यंत तत्व द्रुतया, तो यानी वो भगवान से ज्यादा तेजी से दौड़ती है। श्री सत्यव्रत मुनि एल्यूस टू द एक्सेप्शनल ब्यूटी ऑफ मदर यशोदास ब्रेस्ट हिप्स एंड फुल फिगर्ड बॉडी, तो सत्यव्रत मुनि जो है माँ की शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हैं, उनके स्तनों का, उनके हिप्स का और उनके शरीर का, एंड ऑल्सो इंडिकेट्स अ स्पेशल अफेक्शन फॉर अ सन, और उनका अपने पुत्र के प्रति क्या स्नेह है, कितना स्नेह उसको वर्णन करते हैं। द यूज ऑफ द loving address Gopiya instead of Yashodhya signify that only those who are born in cowherd families have the great fortune of seeing the pastime. कहते गोपिया शब्द लगाया गया यशोदिया के मतलब यहाँ पे मतलब क्या, केवल ग्वालों को ये दर्शन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इन लीला का। Furthermore by saying परामर्श she caught him from behind कि माँ ने उनको पीछे से पकड़ा है। श्री सत्यवर मुनि इंडिया के सत्य मुनि कहते हैं श्री कृष्ण स्पेशल अफेक्शन फॉर मदर यशोदा, कि कृष्ण की स्पेशल जो अफेक्शन है यशोदा के प्रति। इन अदर वर्ड ही डिक्लेयर जय श्री कृष्ण इज भक्त वत्सल, यानी दूसरी तरह से कह रहे कि कृष्ण कौन है, भक्त वत्सल है, ही जो अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। ही हैज पर्टिकुलर अफेक्शन फॉर ए डिवोटी, उन्हें आसक्ति है अपने भक्तों के प्रति। Here also it is special to carefully study the following verse from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, yani hum dashm skand se is cheez ko padhte hain. As slender waist Yashoda che Shri Krishna, yani jiski kamar patli hai wo Yashoda Krishna ki aur daudti hai. Her pace was slowed down by the weight of her large sweeping hips, yani unke jo कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो बड़ा था, इसलिए उनका दौड़ उनकी ज्यादा तेज से नहीं हो सकी। As she ran after him, जैसे वो उनके पीछे दौड़ रही थी, her hair loosened and the flower that woven into her braid fell to the ground, उनके बाल ढीले पड़ गए और जो फूल उनके बालों में लगे थे वो नीचे गिर गए। As he falling behind her, जैसे कि बाल जो फूल है उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। Despite all this, इन सी सब कारणों के बाद she continued to chase Krishna and at last she caught hold of him from behind. वो कृष्ण के पीछे दौड़ती रही और कृष्ण को पकड़ के ही रखा कैसे भी करके। अब हम पढ़ते हैं दिग्दर्शनी वृत्ति, आप जो नारायण महा जी जो हैं वो इसकी क्या व्याख्या करते हैं आगे। अभी हमने पढ़ी थी सनातन गोस्वामी की व्याख्या, अब हम नारायण महा जी की व्याख्या पढ़ते हैं। In order to glorify his worship of Lord Shri Krishna and hopeful of attaining his most cherished name, yani bhagwan ki mahima gaan vyakha karte hue gaan karte hue aur ye aasha rakhte hue apni sapna ko puri karunga,
श्री सत्यव्रत पुनि स्टार्ट से प्रेरित मंगलाचरण, वो आपके मंगलाचरण से अपनी शुरू करते हैं प्रार्थना, एन ऑस्पिशियस इन्वोकेशन बिगिनिंग विद द वर्ड नमामि, यानी बहुत मंगलकारी है क्योंकि नमामि यानी प्रणाम करते हुए वो शुरू करते हैं अपनी प्रार्थना। इन्वोकेशन और ऑस्पिशियस आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो कहते हैं जो हम मंगलाचरण करते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, दो विच ऑफर रिस्पेक्ट, एक जो है आदर प्रणाम करना, दो विच पॉइंट आउट द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस, दूसरे जो होते हैं वो विषय के बारे में बताते हैं कि अब किस चीज के ऊपर चर्चा करें, एंड दो विच ग्रांट बेनिडिक्शन, और तीसरा जो होता है जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पहला क्या है, आदर, जो हम आदर प्रणाम करते हैं, दूसरा किस विषय में हम चर्चा करें, और तीसरा जो आशीर्वाद दिलाते हैं। Here the sage invokes auspiciousness by first offering his respects through the word namami. तो यहाँ पे वो शुरू करते हैं, तो namami शब्द से शुरू करते हैं, प्रणाम करते हैं, and then continues in mangalacharan by indicating the subject being discussed, और उस मंगलाचरण को आगे करते हैं बताने के लिए इसका विषय क्या है। ईश्वर श्री कृष्ण इज द ओरिजिनल लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, कृष्ण जो है सब ईश्वरों के ईश्वर हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रोवाइड दिस एविडेंस फॉर दिस इन श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी भागवत में इसका प्रमाण देते हैं, भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अमंग द इनकार्नेशन डिस्क्राइब इन द प्रीसीडिंग वर्स सम आर एक्सपेंशन ऑफ द पुरुष अवतार, तो कहते भगवान के विभिन्न अवतार हैं जिनका वर्णन किया गया, कुछ तो भगवान के विस्तार हैं जैसे कारणावसाई महाविष्णु, एंड सम अदर समर आवेश अवतार, कुछ उनके विस्तार हैं और कुछ जो है आवेश अवतार हैं, यानी कुछ समय के लिए आते हैं और उस भगवान का कार्य पूरा करने के लिए बाद में उनको हटा दिया जाता है। ऑल ऑफ दीज इनकार्नेशन डिसेंड इन ईच एज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड व्हेन इट इज टॉर्मेंटेड बाय द डेमन, ये सारे अवतार हर युग में आते हैं इस संसार की रक्षा करने के लिए जब राक्षसी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। हाउएवर वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण द सन ऑफ द किंग ऑफ व्रज, वजेंद्र नंदन जो कृष्ण है जो राजा है ब्रज के, इस स्वयं भगवान, वो स्वयं भगवान है, द ओनली फॉर्म ऑफ भगवान वी नो अदर सो देन हिमसेल्फ, यानी उनका कोई कारण नहीं है, वो सब कारणों के कारण है। He is the original primal personality and Mahavishnu is expansion. वो मूल कारण है और सब उनके विस्तार हैं। महाविष्णु या अन्य कारण दशा विष्णु और गर्भ दशा विष्णु जितने भी हैं वो सब उनके विस्तार ही हैं। श्री ब्रह्मा दी ओरिजिनल गुरु ऑफ फॉर और संप्रदाय स्टेज इन दिस प्रेस, यानी ब्रह्मा जी जो है जो हमारे गौड़ीय जो परंपरा के जो मेन गुरु हैं, जिनके अंदर महाप्रभु आए थे, जो संप्रदाय वो क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदान विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, श्री कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ ऑल अदर लॉर्ड, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है, सबके ईश्वर है, एंड ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर एटर्नल नॉलेज और उन प्योर एटर्नल एग्जिस्टेंस, यानी भगवान ही नित्य हैं, उनका ना कोई आदि ना अंत, वो नित्य थे हैं और रहेंगे, फुल नॉलेज यानी ज्ञान स्वरूप है और अनलिमिटेड हमें अनंत आनंद है। ही इज द प्राइमरी लॉर्ड गोविंद, सो ही हैज नो बिगिनिंग और ओरिजिन, तो वो गोविंद है, सबसे प्रथम वही है, उनका ना कोई आदि ना अंत है, एज हिमसेल्फ इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो स्वयं सब कारणों के कारण है, इंक्लूडिंग ऑल द इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, यानी सारे विष्णु अवतारों के भी वो स्वयं ही कारण है, एंड ऑल इज इन पावर सर्वाइटर्स, और सब कारणों के कारण है विष्णु के, एंड ऑल हिज इन पावर सर्वाइटर, और जिनके भी उनके सेवक है उनके भी उनको जो शक्ति प्रदान करें वो स्वयं वही होते हैं। ही इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट कॉजेज, यानी वो सब कारणों के कारण है। श्री कृष्ण इज द लॉर्ड ऑफ द मास्टर ऑफ क्रिएशन हु आर वर्शिप बाय द होल वर्ल्ड, कृष्ण जो है वो स्वामी है इस ब्रह्मांड के,
जिनकी उपासना सारा जगत करता है, एंड ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल इनकार्नेशन, वो सब अवतारों के कारण है। हाउएवर इन व्रज ही ऑफर्स रिस्पेक्ट टू हिज फादर नंद बाबा टू मदर यशोदा एंड टू अदर एल्डर, लेकिन ब्रज में वही कृष्ण जो है अपने पिता नंद बाबा माँ यशोदा को और बड़ों को आदर प्रणाम करते हैं। He become blissful when he loses the games he plays with his friends. वो बड़े आनंदित होते हैं जब अपने सखाओं के साथ हारते हैं। And when he eats the remnants and feeds them, और जब उनका वो जूठन खाते हैं और उनको खिलाते हैं। Even when he is defeated again and again in the assembly of the gopis, he considers it is great fortune. यानी बार बार गोपियों के द्वारा भी वह पराजित होते हैं और उसी को वह अपना असीम सौभाग्य मानते हैं। It was because of his own desire to obtain the pleasing association of the beautiful damsel of Raj. उनकी स्वयं की इच्छा थी कि उन गोपियों का संग करने की, that he called them at the time of the Rasla. They did not call him, यानी भगवान ने स्वयं उनको रासलीला में निमंत्रित किया। गोपियों ने कृष्ण को नहीं बुलाया, कृष्ण ने गोपियों को बुलाया था क्योंकि उनकी इच्छा थी रास करने की। Thus श्री कृष्णा इज सच चित आनंद प्योर एटर्नल एग्जिस्टेंस फुल नॉलेज एंड अनलिमिटेड ब्लिस। सच चित आनंद में वो नित्य हैं, सत्य हैं, नित्य हैं, उनमें पूर्ण ज्ञान है और अनंत उनमें आनंद भी है। सत मीन्स एग्जिस्टेंस, सत का मतलब होता है नित्यता। श्री कृष्ण इनहेरेंट नेचर इज दैट ही एग्जिस्ट एज अ फ्रेश शूट व्हेन ही इज इन द बेस्ट ऑफ डांसर्स, यानी उनकी विशेषता ये है कि वो एकदम ताजे जवान लगती हैं। हु इज द बेस्ट ऑफ डांसर, जो नृत्य में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ही इज एक्सट्रीमली चार्मिंग फॉर्म एज अ टेंडर यूथ इज इवन मोर अट्रैक्टिव, यानी उनका जो स्वरूप है जो जवानी का वो इतना ज्यादा आकर्षित है देन द्वारकाधीश द फॉर्म ऑफ कृष्णा व्हेन ही इन द्वारका, यानी भगवान जब द्वारका में जाते हैं द्वारकाधीश में उस रूप में इतने सुंदर नहीं दिखते जितने सुंदर वो ब्रज में दिखाई देते हैं और बालक रूप में दिखाई देते हैं। इट इज ओनली बिकॉज श्री कृष्ण ओरिजिनल फॉर्म वजन नंदन एग्जिस्ट that all other lords as well as the whole universe have their existence. मतलब यह है कि ये कृष्ण जो है उनका स्वयं रूप जो है बांसुरी धारण का त्रिभंग रूप जो है वजन नंदन वो है, इस करके सारे अवतार हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, यानी क्योंकि सारे अवतार कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं, भी कृष्ण की वजह से सारे अवतार है, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कृष्ण की वजह से ही ब्रह्मांड है, कृष्ण की वजह से ही सारे अवतार हैं। चित मीन दैट नॉलेज विच मैनिफेस्ट और रिलेशनशिप, चित कहते हैं उस ज्ञान को जो संबंध के रूप में प्रकाशित होता है। एंड परमेंट स्पिरिचुअल इमोशन और भाव, एज भाव कंडेंस, जैसे जैसे भाव गाढ़ा होता जाएगा भजन के द्वारा प्रेम बढ़ेगा, इट ग्रेजुअली पासिस थ्रू द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ, तो उसके भी कई स्तर हैं। प्रेम के बाद आता है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग एंड भाव, एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन इनटू महाभाव। तो यानी जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा तो प्रेम के बाद स्नेह आता है, मान आता है, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और फिर लास्ट में महाभाव आता है। महाभाव इज श्री राधा हर्सेल्फ, शी इज देयरफॉर नोन एज महाभाव स्वरूपिणी द इम्पोर्टेंट ऑफ महाभाव, जो राधा रानी जो है वो महाभाव स्वयं है और उस पे पूर्ण रूप से महाभाव है, यानी एक किस्म से राधा स्वयं ही महाभाव का स्वरूप ही है। When the three components, pure eternal existence, full knowledge and unlimited are manifest in one combined form, कहते हैं जब सत चित आनंद ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे विराजमान होते हैं, then the identity of that form is Radha Kant, the basis and entirety of Sat Chit Anand, तो क्या बन जाता है, वो राधा कांत बन जाते हैं जो
सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप है एंड दी बिलव्ड और श्रीमती राधिका राधा रानी के प्रीतम है. दिस वर्स दिस वेरी एंटिटी इज हिमसेल्फ द सब्लाइमली प्योर एग्जिस्टेंस सब्सटेंस. ये स्वयं कृष्ण है, यही बाल कृष्ण है, हमारे नंद नंदन है और दूसरा कोई नहीं है. विश्व सत्व वही है. श्री कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट द विषय ऑफ ऑल. कृष्ण जी है प्रेम के विषय, यानी सभी लोग उनसे प्रेम करना चाहिए सबको. लविंग सेंटर एंड दिस डिवोटीज द आश्रय आर द अबोर्ड ऑफ लव फॉर हिम. आश्रय है जो प्रेम का केंद्र है, वो भक्त होते हैं. इसलिए जीव को भक्ति भक्त के माध्यम से ही मिलती है. उपासना भक्ति प्रेम मिलता है भक्तों से और प्रेम किया जाता है कृष्ण से और प्रेम हमेशा भक्ति देते हैं. इससे जो प्रेम का आशय वो स्वयं राधा रानी है या प्रेम का आशय स्वयं उनके भक्त होते हैं. एज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव ही कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द टॉप मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिबिटेड बाय हिज डिवोटीज. प्रेम के विषय होने के कारण उनके भक्तों को कितना आनंद आता है, उनके अंदर क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं, वो भगवान उसका आस्वादन नहीं कर सकते हैं. The abode of love for him, when they experience with the various modes, उनके अंदर अलग अलग जो भाव होते हैं जो भगवान के प्रति, उस रस का भगवान स्वयं अनुभव नहीं कर सकते हैं. सच अ रूढ़ एंड अधिरूढ़, मतलब क्या होता है अधिरूढ़ भाव? भाव किसे कहते हैं कि जब कृष्ण जी आपके सामने हैं तो ब्रह्मा का जो इतना लंबे समय एक दिन वह एक क्षण के बराबर लगता है, और जब भगवान आंखों के सामने चले जाते हैं एक क्षण के लिए भी वह ब्रह्मा जी की आयु के बराबर एक दिन के बराबर लगता है. तो इसका मतलब ये होता है कि उनको इतना ज्यादा उनके भगवान के प्रति प्रेम होता है. Therefore, Shri Krishna accept the form of Shri Sachidanand Gaur Hari. इससे कृष्ण जी जो है सचिन गौर हरि का रूप धारण करते हैं एंड बिकम्स रेडियंट विद द मूड एंड बॉडी कंसेप्शन ऑफ श्री राधा, और राधा जी के भाव को स्वीकार करते हैं उनके और उनके जो शरीर के कलर को भी स्वीकार करते हैं. द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ लव फॉर कृष्णा इन दैट फॉर्म ही फुलफिल द थ्री लॉन्गिंग. तो उनके भाव को स्वीकार करने से आपकी तीन इच्छाओं की वो पूर्ति करते हैं. तो चैतन्य चैतन्य में उन तीन इच्छाओं का वर्णन किया गया है. डिजायरिंग टू नो द ग्लोरीज ऑफ राधा रानी लव फॉर हिम, राधा रानी का प्रेम क्या उनके प्रति, उसको जानना. व्हाट इज इन हिम दैट मेक्स हर मैडन विद लव, उनमें क्या चीज है जिसे राधा रानी पागल हो जाती है. And the nature of the pleasure she experienced by loving him, उन्हें कितना रस मिलता है तो उनकी सेवा करके. भगवान श्री हरि fully resplendent with her emotions appeared from श्रीमती सच्ची देवी womb just as the moon appeared from the ocean. उन्हीं भावों का आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण सच्ची नंदन के रूप में गौर हरि के रूप में प्रकट हुए हैं. In many places throughout Srimad Bhagavatam, the sweetness of Shri Krishna's beautiful form has been described. यानी कई जगह पे भागवत में कृष्ण की सुंदरता की विशेषता का वर्णन किया गया. However, among all of them, three specific descriptions are extraordinary, wonderful, and touch the heart. उन सब में जो तीन जो हैं बहुत ज्यादा अलौकिक है और हृदय को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं. द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन वॉज स्पोकन बाई श्री ब्रह्मा द ग्रैंड फादर ऑफ द यूनिवर्स. जो पहला जो वर्णन किया गया था वो ब्रह्मा के द्वारा जो दादा लगते हैं एक किस्म से इस ब्रह्मांड के. ओ मास्टर इन द एंटायर, ये भागवत का दशम स्कंद 14वें अध्याय का श्लोक है पहला. ओ मास्टर इन द एंटायर यूनिवर्स Only you are worthy of being praised. ओ स्वामी, इस पूरे ब्रह्मांड में एक आप ही हो जिनके गुणों का गान करना चाहिए. ओ वृंदावन नंदन, वृंदावन के नंदन सन ऑफ द किंग अवज, यानी वृक्ष के राजा के पुत्र. योर बॉडी अपीयर्स लाइक अ फ्रेश रेन क्लाउड, आपका जो शरीर का जो कलर है वो बादलों की तरह, ताजे बादलों की तरह है. It is adorned with a yellow cloth that glistens like lightning.
नपे अमेजिंगली ब्रिलियंट, और आपने पीतांबर धारण किया है जो बिजली की तरह चमकता है और बहुत ज्यादा तेजस्वी है। बिकॉज यू आर वेरिंग मकर शेप इयरिंग, क्योंकि आपने कानों में मकर रूप के जो कुंडल पहने हैं, एंड अ पीकॉक फेदर ऑन योर हैंड, और सिर पर मोर पंख धारण किया हुआ है, या लोटस फे रेडिएट्स एन अनकॉमन स्प्लेंडर, आपका जो मुख है वो अलौकिक तेज दिखा रहा है। अराउंड योर नेक इज अ गार्लेंट मेड ऑफ इननेबरेबल काइंड ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर एंड लीव, आपके गले में जो हार है वह बहुत से फूलों और पत्तों से बना हुआ है। टक अंडर योर आर्म आर अ केन एंड अ बफलो हॉर्न, आपके हाथ के नीचे एक सोटी है और सिंगी है जिसको बजाया जाता है। योर फ्लूट विच इज टाइड बाई योर वेस्ट बेल्ट, आपकी कमर में जो बांसी बांधी जाती है लुक्स वेरी भी बहुत सुंदर लगती है। इन योर लवली सॉफ्ट हैंड इज अ मसल ऑफ योग हर्ट एंड राइस, आपके हाथ में जो है दही और चावल की ग्रही है। इवन यू आर अट्रैक्टेड बाय दिस कवर्ड बॉय, आप भी इस ग्वाले के प्रति आकर्षित हो रहे हो। आई सिंपली फॉल टू द ग्राउंड लाइक अ स्टिक अगेन एंड अगेन एट योर फीट, मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। विच आर सॉफ्टर देन लोटस, आपके जो चरण है कमल से भी ज्यादा कोमल है। एंड विच आर मार्क विद ऑल ऑस्पिशियस हैंड, और भी सारे मंगलकारी चिन्ह दिखाई देते हैं। द सेकेंड डिस्क्रिप्शन वॉज स्पोकन बाई दी वाइफ ऑफ द ब्राह्मण अमित्रा, दूसरा वर्णन जो किया गया था मथुरा में वो यज्ञ पत्नियों के द्वारा किया गया था, दसवें अध्याय का 23वां, दसम स्कंद के 23 अध्याय का 22वां श्लोक है। हिज कॉम्प्लेक्शन वाज डार्क ब्लूइश लाइक अ फ्रेश मॉनसून रेन क्लाउड, वहन का जो स्वरूप कैसा है, नीले रंग का है जैसे बादलों का होता है। एंड द ग्लिसरी येलो क्लॉथ दैट वॉज ड्रेप्ड ऑन हिज शोल्डर सब्ड्यूड द स्प्लेंडर ऑफ गोल्ड, और उन्होंने अपने शरीर में जो पीतांबर धारण किया है उसके आगे सोने का रंग भी फीका पड़ जाता है। देयर वॉज अ गार्लैंड ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर अराउंड हिज नेक, उनके गले में जो है फूलों का हार है। एंड अ ब्यूटिफुल पीकॉक फेदर स्प्लेंडर अडॉर्न हिज हेड, और उनके सर पे मोर पंख धारण किए हुए हैं। प्लेफुल डिजाइन वर पेंटेड ऑन हिज लिम्स, उनके शरीर में बहुत से डिजाइन लगाए गए थे, विच कलर मिलरस बहुत से मणियों के साथ बनाए गए थे। एंड ही हैड डेकोरेटेड हिमसेल्फ विद बंचेस ऑफ न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और उन्होंने अपने आप को सजाया था पत्तों के द्वारा, जो खिले हुए थे पत्ते उनके द्वारा। ही लुक जस्ट लाइक अ ड्रामेटिक डांसर, ऐसा लगता है कि कोई एक बंदा नृत्य कर रहा है। ही वॉज रेस्टिंग वन हैंड ऑन द शोल्डर ऑफ हिज फ्रेंड, उन्हें एक हाथ जो था अपने मित्र के कंधे पे रखा हुआ था। एंड वी अदर हैंड ही वॉज प्लेइंग प्लेफुली ट्वर्लिंग अ लोटस फ्लावर, और दूसरे हाथ में वो कमल को लेके घुमा रहे थे। ऑर्नामेंट्स डेकोरेटेड हिज ईयर्स, उनके गले में जो थे आभूषण थे। एंड कर्ल्स ऑफ ब्लैक हेयर, और काले जो बाल घुंघराले बाल थे वह कस्काडिंग डाउन हिज उनके गाल तक आ रहे थे। एज ए लोटस फेस ब्लॉसम विद अ माइल्ड प्लेफुल स्माइल, और उनके मुख में जो था सुंदरता और मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। द थर्ड डिस्क्रिप्शन फाउंड इन वेणु गीत व्हेन द गोपी सैंग अबाउट श्री कृष्ण फ्लूट, तीसरा जो वर्णन आता है वो वेणु गीत में आता है, गोपियों ने जब गाया था उनकी बांसुरी को देख के। वह स्पोकन बाय श्रील सुखदेव गोस्वामी। हियर ही इज डिस्क्राइबिंग द स्वीटनेस ऑफ श्री कृष्ण ब्यूटिफुल फॉर्म As revealed in the heart of the Vraj Gopis, वो यहाँ पे कृष्ण की जो सुंदरता का वर्णन करें जिस प्रकार गोपियों के हृदय में वो प्रकाशित हुआ था। Within their hearts, आपके हृदय दमसल of Vraj began to see that Shri Krishna entered the charming forest of Vrindavan, आपके हृदय में गोपियां क्या देख रही हैं, कृष्ण जी वृंदावन में प्रवेश करे जंगलों में, accompanied by his cowherd boyfriend, उनके साथ उनके सखा भी हैं। पीकॉक फेदर डेकोरेटेड द टॉप ऑफ हिज हेड, उनके सिर पर मोर पंख सजा हुआ था। एंड येलो कर्णिका
फ्लावर्स वर रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज हेयर, और उनके कानों में जो था कौन से कुंडल थे, कर्णिका फूल के जो थे कुंडल। ही वोर अ गोल्डन येलो गारमेंट ऑन हिज बॉडी, उन्होंने अपने शरीर में पीत वस्त्र धारण किया था। एंड अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंट गार्लैंड स्ट्रंग फ्रॉम फाइव काइंड ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर्स सर्कल्ड हिज नेक एंड हंग टू हिज नीज, और बहुत खुशबूदार हार, उनमें पांच प्रकार के फूल लगे हुए थे, उनके गले से लटक कर था, और इतना लंबा हार था उनके घुटनों तक चल जा रहा था। श्री कृष्ण अपीयर लाइक द बेस्ट ऑफ डांसर, यानी नृत्यकारों में अपने को में सर्वश्रेष्ठ दिख रहे थे। परफॉर्मिंग अ सुप्रीमली कैप्टिवेट ड्रामा अपॉन अस, जैसे एक मंच के ऊपर बहुत बढ़िया नाटक हो रहा है ऐसा लगा था नाटककार। ही फिल्ड अप द होल्स ऑफ हिज फ्लूट विद द नेक्टर ऑफ हिज लिप्स, उन्होंने अपनी बांसुरी के छिद्र को अपने अधर के द्वारा भरा था, यानी उन्होंने बांसुरी बजाई थी। एज द कवर्ड बॉयज फॉलोड बिहाइंड हिम सिंग हिज ग्लोरीज, और ग्वाले उनके पीछे चल रहे थे उनके गुणों का गान करते हुए। विच प्योरीफाई द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि जब भक्त प्रभु के गुणों का गान करते हैं तो त्रिलोकी में शुद्धता आ जाती है, सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं, मंगलकारी हो जाता है। In this way, the forest of Vrindavan, which is more charming than the divine realm of Vaikunth, इस प्रकार जो वृंदावन का जो जंगल है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर है। Has become even more splendid from the impression of a adorable lotus feet, वैकुंठ से तो सुंदर ही है, ये और सुंदर बन गया क्योंकि भगवान ने आपके चरण इसके ऊपर रखे हैं। Which are marked with all auspicious symbol like the conch chandel, और उनके चरणों में सारे मंगलकारी चिन्ह हैं। तो इसकी व्याख्या हम कल पढ़ेंगे क्योंकि समय हो चुका है, कल हम दामोदरष्टक पूरा पढ़ेंगे धीरे धीरे, कई दिन लग जाएंगे क्योंकि व्याख्या बहुत है। सनातन गोस्वामी की व्याख्या भी है और नारायण मा जी की व्याख्या भी है, इसको हम पढ़ेंगे। तो मैं विश्राम करता हूँ। वांछा कल्पत्रो भेष्य कृपा सिंधु भयो च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।